नमस्कार, नमस्ते बिहार। मैं राहुल ओझा आपके साथ। नमस्ते बिहार, मैं हूँ आपके साथ शिप्रा झा। और पटना से बड़ी खबर है, जहाँ मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। रेमल तूफान को लेकर के यह अलर्ट जारी किया गया है। बिहार के पूर्वी इलाके में अलर्ट जारी किया गया है। हल्की से मध्यम बारिश का अलर्ट है। 120 से 135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तूफान आएगा। कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज समेत कई जिलों में इसका असर दिखेगा, तो आपको सावधान सतर्क होने की जरूरत है, क्योंकि रेमल तूफान को लेकर के अलर्ट जारी किया गया है। बिहार के पूर्वी इलाके में अलर्ट जारी किया गया है। हल्की से मध्यम बारिश का अलर्ट है। 120 से 135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तूफान आएगा, और इसको लेकर के कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज समेत कई जिलों में इसका असर देखने को मिलेगा। असर बिहार ही नहीं बल्कि झारखंड में भी आज रेमल तूफान का असर देखने को मिल सकता है। रांची से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां रेमल का विमान सेवा पर भी असर पड़ा है। रांची कोलकाता विमान सेवा आज रद्द कर दिए गए हैं। कोलकाता से होकर रांची आने वाली कई सारी फ्लाइट्स हैं जिसे रद्द कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि इंडिगो की 3 फ्लाइट्स आज रद्द हुई हैं। तो बंगाल की खाड़ी से ये तूफान आ रहा है और झारखंड के कई जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, यानी इस तूफान का असर झारखंड में भी देखने को मिलेगा। और एहतियात के तौर पर ये बड़ा एक्शन लिया गया है, जिसके तहत कई सारे विमानों को रद्द कर दिया गया है। रांची से बड़ी खबर है, जहां एक्सट्रीम बार में आधी रात गोलीबारी हुई है। बार के डीजे संदीप की हत्या कर दी गई है, गोली मारकर हत्या की गई है। बंगाल का रहने वाला डीजे संदीप था। मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। तो एक्सट्रीम बार में आधी रात गोलीबारी हुई है, कई अधिकारी मौके पर मौजूद है और पूरे मामले की तफ्तीश की जा रही है। बार के डीजे हैं संदीप, जिनकी हत्या कर दी गई है। मामले की जांच पुलिस कर रही है। और अब बात करेंगे लोकसभा चुनाव से जुड़ी खबरों की। तो बिहार में आज कई नेताओं की चुनावी रैली है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज नालंदा में रोड शो करेंगे। एनडीए उम्मीदवार कौशलेंद्र कुमार के पक्ष में रोड शो होगा। सीएम नीतीश कुमार हिलसा से रोड शो की शुरुआत करेंगे। आज पटना साहिब, पाटलिपुत्र और आरा में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भी सभा होगी। तो नेताजी आज प्रचार पर निकलने वाले हैं और कहां कहां सभा होने वाली है ये हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता भी रहे हैं। पटना साहिब, पाटलिपुत्र और आरा में आज राहुल गांधी की 3 जगह पर जनसभा होने जा रही है। तो इसके साथ ही मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव भी पटना में चुनावी सभा को संबोधित करने वाले हैं। लोकसभा चुनाव में 6 चरण की वोटिंग हो चुकी है। 6 चरण की वोटिंग के पहले से ही नेताओं ने जीत के दावे तेज कर दिए। गृहमंत्री अमित शाह ने रविवार को काराकाट के दाऊदनगर और सासाराम लोकसभा क्षेत्र के भभुआ में चुनावी रैली की। गृहमंत्री अमित शाह ने काराकाट की रैली में एक बार फिर से दोहराया कि 5वें चरण तक मोदी जी 310 पार कर चुके हैं, 6वां और 7वां चरण 400 पार कराने का है। सवाल है कि 6ठे चरण के बाद किसका पलड़ा भारी है।